नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। करुणामूलक संघ लंबे अरसे से करुणामूलक आधार पर भर्तियां करने की मांग कर रहे हैं और इस दौरान विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री से मिलकर भी काफी बार बात को रख चुके हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है, ऐसा इनका कहना है। करुणामूलक संघ ने आज विधानसभा का घेराव किया और सरकार को शीघ्र नौकरी देने की मांग की। संघ के अध्यक्ष अजय कुमार का कहना है कि प्रदेश में करुणामूलक आधार पर 4,500 आश्रितों को नौकरियां नहीं मिली है और विभागों, बोर्डों, निगमों में पद खाली चल रहे हैं। आश्रितों ने मांग की है कि करुणामूलक आश्रितों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत सभी को एक साथ नियुक्तियां दी जाए। उन्होंने कहा कि आश्रितों को 15 वर्ष से भी अधिक का समय आवेदन किए हुए हो गया है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है। सरकार आश्रितों को नौकरी देकर जल्द राहत देने के लिए काम करे। बाइट अजय कुमार, अध्यक्ष करुणामूलक संघ। संघ अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश, मैं आज इस मंच पर विधानसभा घेराव किया जो करुणामूलक संघ ने किया है, इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर बताना चाहता हूं कि आज 4,500 परिवार करुणामूलक परिवार जो है सड़कों पर उतर आए हैं और ये परिवार अब चुप नहीं बैठेंगे। जल्द से जल्द करुणामूलक नौकरियां बहाल की जाए। अभी 10 अगस्त को कैबिनेट आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास यही मौका है। अगर ये मौका छूट गया तो 10 अगस्त के बाद जो अभी उपचुनाव आ रहे हैं उसमें करुणामूलक परिवार जो है सड़कों पर उतरेंगे और खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, इन परिवारों को जो कि 4,500 परिवार है, इनको एक मुफ्त नौकरियां दी जाए वन टाइम सेटलमेंट के तहत, और जो 62,500 शर्त लगाई है, एक सदस्य सालाना शर्त जो लगाई है 62,500, जो कि एक जरिया रखा गया है करुणामूलक परिवारों को बाहर निकालने का। मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ये शर्त वापस ली जाए और ये 5% कोटा हटाया जाए और एक विभाता भी नौकरी की हकदार हो। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हमें क्लास 3 क्लास 4 में सिर्फ क्लर्क और क्लास 4 की नौकरी दो। आप क्लास 3 क्लास 4 में और भी बहुत वैकेंसीज निकलती हैं, आप उनमें हमें एजुकेशन के हिसाब से नौकरियां दे सकते हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे आश्रित परिवार जो हैं टेक्निकल एजुकेशन भी की है उन्होंने, आप इनको हर एक कैटेगरीज में नौकरी दे सकते हो, ताकि ये एक किसी कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी जैसे क्लर्क या क्लास फोर पे के ऊपर बोझ ना पड़े। इसलिए इन कैटेगरियों में बांटा जाए 4,500 परिवारों को और इन परिवारों को एक मुफ्त राहत दी जाए, और जब तक ये राहत नहीं मिल पाती करुणामूलक परिवार यहीं शिमला में डटे रहेंगे। आज हमारा धरना प्रदर्शन सिर्फ एक जागी है, अभी उपचुनाव बाकी है। अभी जो पिछले फरवरी में करुणामूलक सत्र हुआ उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस दिन कैबिनेट भी थी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से खुद मिला। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मुद्दा उठाया कि करुणामूलक आश्रितों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत नियुक्तियां दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महीने का आश्वासन दिया, बोले कि एक मंथ के अंदर अंदर आपको नियुक्तियां दी जाएंगी, लेकिन वो एक झूठा आश्वासन, एक ठाका आश्वासन था। और आज करुणामूलक परिवार सड़कों पर उतर आए हैं, इसलिए नहीं उतरे कि उनको नौकरियां मिली, इसलिए उतरे कि उनका परिवार आज भूखा यहाँ रोड पर आ गया है। कोविड काल में परिवारों की हालत बहुत लड़ाई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे, उन्हें मांग पत्र सौंपेंगे और उनसे वार्तालाप करेंगे। वन टाइम सेटलमेंट के तहत हम मांग रखेंगे 4,500 परिवारों को राहत का जो है मांग रखेंगे। अभी हमारा 30 जुलाई से क्रमिक अनशन चला हुआ है, जो कालीबाड़ी के पास SBI नियरबाय वर्षाशालिका में चला हुआ है। ये हमारा वैसे ही कंटिन्यू रहेगा जब तक करुणामूलक नौकरियां बहाल नहीं होती। ये परिवार 30 जुलाई से उस रेंट शेड में बारिश में भरी बरसात में पानी में सोते आए हैं और सोते रहेंगे। अभी ना कोई सरकार का नुमाइंदा हमारी सूत-बूत लेने पहुंचा है, ना कोई प्रशासन का, ना ही हमारे साथ कोई वार्तालाप के लिए हमें बुलाया की थी। राकेश सिंघा जी ने हमें आश्वासन दिया कि ये मुद्दा जो है विधानसभा में उठाएंगे और करुणामूलकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट के तहत नियुक्तियों की एक मांग रखेंगे। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज़।